नमस्कार, स्वप्न मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर चुनाव का। कश्मीर चुनाव पर पूरे विश्व की नजर है और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे भी हम समझेंगे। कश्मीर के चुनावी खेल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के शामिल हो जाने के बाद लगातार प्रदेश बदलने लगे हैं। कश्मीर भारत का मस्तक है और विदेशी शक्तियां भारत के इस मस्तक को झुकाने के लिए तमाम तिक्रम कर रही हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद नए परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव में एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू हो रहा है, इसके पहले नहीं था। इसके पहले भारत का विधान कश्मीर में पूरी तरह से लागू नहीं होता था, लेकिन एनजीओ के माध्यम से विदेशी शक्तियां एससी एसटी समुदाय को लेकर कुछ अलग नैरेटिव सेट करने में लगी हैं। इसमें सोशल मीडिया का उपयोग भी हो रहा है और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एससी एसटी को लेकर के जो बातें करते रहते हैं उनके भी एक रोल निश्चित की गई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में विदेशी शक्तियां सक्रिय क्यों हो गई हैं, यह विचारणीय है। विधानसभा चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसमें भारत के संसद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी नए विधेयक में 24 सीटों का प्रस्ताव पारित किया गया है। हम जानते हैं पीओके अभी भारत के कब्जे में नहीं है, लेकिन भारत के संसद ने वहां भी चुनाव के दृष्टि से 24 सीटों का निर्धारण कर दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि पीओके के लिए 24 सीट आरक्षित की गई है क्योंकि पीओके हमारा है, मतलब यह भारत का संकल्प है कि पाकिस्तान जिस पर अवैध कब्जा जमाए हुए वह कश्मीर भी भारत का ही एक हिस्सा है। भारत के संसद में पारित संकल्प को भारतीय याद करें या नहीं करें, लेकिन विदेशी शक्तियां इसको लेकर के गंभीर है। चीन अमेरिका की नजर इस पर है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर यदि भारत के अधीन हो जाता है तो इसके बाद भारत की छवि विश्व में एक दूसरे प्रकार की होगी। उनकी गंभीरता जम्मू कश्मीर चुनाव में दिख रही है। विदेशी शक्तियों का प्रयास है कि कश्मीरी पंडित विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में खड़े नहीं दिखें। यदि ऐसा कराने में वे सफल होते हैं तो वे कश्मीर को लेकर पूरे विश्व में एंटी भारत नैरेटिव को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। जैसे अयोध्या में संसद चुनाव में लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को हार मिली और इसके बाद एक अलग प्रकार की नैरेटिव चलाए जाने लगे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता प्रमाण के साथ चुनाव के समय विदेशी खबरयंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। इसके बाद भाजपा के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर चिंतित हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। कश्मीर के लोगों को भारत के साथ भावनात्मक रूप से जोड़े रखने एवं कश्मीर से संबंधित संवैधानिक व कानूनी पक्ष पर शोध कर पिछले कई दशकों से विमर्श सुधार में लगे संगठनों व संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने का प्रयास तेज किया गया है। बीच के कालखंडों में उनकी सक्रियता थोड़ी कम हो गई थी। भाजपा से अलग होकर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से भारत की संस्कृति प्रकृति और सौम्य शक्ति से विश्व को अवगत कराने में लगे संघ के प्रचारक राम माधव को भाजपा ने फिर से जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में निर्णय की प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा ध्यान रह रहा है। गृह मंत्रालय की एजेंसियों के अतिरिक्त भी कुछ हैं जो वहां सक्रिय हैं। प्रचार व मीडिया से दूर रहकर कश्मीर घाटी के लोगों के बीच सेवा कार्य करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं की सक्रियता विदेशी शक्तियों के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं की गतिविधि को सीमित करने के लिए कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियां तेज करा दी गई थी। इधर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के समन्वय में कमी आई है, यह चिंता की बात रही है।
चुनाव की घोषणा के बाद यह लग रहा था कि सारे प्रयासों के बावजूद कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाना संभव नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर पुराने आतंकी या उनके सहयोगी चुनावी मैदान में उतर रहे थे। इस स्थिति में वहां सक्रिय राष्ट्रीय विचार वाले संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना कश्मीर में कुछ भी संभव नहीं है। भाजपा ने समय रहते इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। भाजपा अपनी भूलों को सुधारने में संकोच नहीं कर रही है। ऐसे में परिणाम अनुकूल होने की संभावना बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में जिस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं व्यापक स्तर पर, वह साधारण नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसलिए सोचना पड़ेगा और यह कश्मीर का जो चुनाव है वह किसी पार्टी तक सीमित न रह करके भारत का चुनाव बने, तभी जाकर के भारत का जो भारत को लेकर के जो षड्यंत्र शुरू किए गए हैं विदेशी स्तर पर, उनका समाधान हो सकता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।